बोल बम हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा धाम देवघर, मतलब महादेव के दरबार में, और साथ में बड़े भैया। नमस्कार मित्रों। अच्छा भैया और राहुल। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा धाम। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब पहली बार मैं जा रहा हूँ। अक्षय भैया तो शायद गए हैं, पहले गए हैं अक्षय भैया। तो अभी कितना टाइम लगेगा भैया? तकरीबन 5 घंटे लग जाएंगे। मतलब 5 घंटे, शायद 225 किलोमीटर मतलब गया से देवघर है। तो अभी जो भी समय लग जाए उसके बाद सीधे हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग लगभग 50 किलोमीटर सफर तय कर चुके हैं और अभी लगभग 180 किलोमीटर बचा है और शाम होने वाला है। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगा धीरे धीरे, और लगभग रात के 9 बज जाएंगे, 9-10 पहुँचते। और पूजा लगभग कल सुबह पूजा हो पाएगा वहाँ। दोस्तों अभी सुबह हो चुका है, हम लोग रात को लगभग 12 बजे यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन रात हो जाने के कारण हम लोग थके हुए भी थे तो सो गए थे। तो अभी सुबह हुआ है, 6 बजा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस मंदिर के बगल में एक है शिव गंगा, जो कि मतलब एक तालाब है, वहाँ नहाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग कपड़ा चेंज करके पूजा करने के लिए जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। दोस्तों हम लोग नहा चुके हैं और नहा के आ चुके हैं, अपने रूम में रेडी हो चुके हैं। अब कुछ देर भी निकलेंगे हम लोग पूजा के लिए। अभी हम लोग आए हुए हैं जल लेने के लिए। अच्छा दे ना छोटा वाला। कैसे पीस है? 20 रुपये। ये पकड़िए
तो अभी हम लोग जल ले लिए हैं और टीका भी लग चुका है हम लोग, और अभी बस मतलब पूजा के लिए फूल लेंगे, उसके बाद चलेंगे मंदिर पे। और अभी बाबू का मतलब मुंडन करवाना था, वो मुंडन भी हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से, अभी हम लोग फूल ले कर चलते हैं मंदिर पे। बाबा हम लोग पूजा के लिए फूल ले लिए हम लोग और अभी चलेंगे सीधे पुष्प माला हम लोगों ने अभी ले लिया है और अब मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। बस अब सीधे चलते हैं हम लोग मंदिर पूजा करने के लिए। चलो आगे आगे चलो आप आ जाओ। सभी लोग देख सकते हैं, मैं अमित व्यार राहुल रोहित सभी लोग एक लंबा लाइन में देख सकते हैं, काफी लंबा लाइन है, पीछे तक पूरा लंबा लाइन है, भी काफी लंबा लाइन है देख सकते हैं आप लोग। अभी लाइव आए हुए अक्षय भी आपने पेज से बोल बोल दूसरी बार सौभाग्य देख सकते हैं दोस्तों काफी सुंदर सा नजारा। इधर से गए उसके बाद हम लोग गोल गोल घूमने के बाद उसमें इधर से घूमते घूमते आ रहे हैं, और अभी फिर से इधर मतलब लाइन में जाते हुए इधर से हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। इधर देख सकते हैं काफी सुंदर नजारा लग रहा है, काफी मस्त देख सकते हैं पूजा हो रहा है। दक्षिणा घटी देखे दरबार का जिनको जो देना हो। तो अभी मंदिर में मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं था वीडियो बनाने के लिए, जिसकी वजह से अंदर का तो नहीं दिखा पाए, लेकिन अंदर में एक भाई मिले हैं जो कि मुझे पहचान रहे थे और ये भी ब्लॉग बनाते हैं, उनका चैनल का नाम है बेस्ट ब्लॉगर, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे देते हैं, आप लोग भी एक बार जाके विजिट कीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं हम लोग। काफ़ी देर से बात भाई से ऐसे ही बातचीत होता था, लेकिन मंदिर में आज दोनों आदमी ऐसे कोइंसिडेंसली मिल जाएंगे पता नहीं था, लेकिन मिल गए काफ़ी अच्छा लगा।
दोस्तों अभी हम लोग पूजा कर लिए हैं पूरी तरह से। अभी साथ में बड़े भैया अमित शर्मा, कुछ बोलना चाहेंगे भैया? आज बाबा की नगरी देवघर में अपने मित्रों के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कामना करते हैं कि आप सभी का दिन मंगलमय होगा और भगवान से यह दिव्य वर मांग रहे हैं कि जितने भी हमारे इष्ट मिष्ट मित्र हैं सभी के कष्ट बाबा दूर करें एवं सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव। हर महादेव। आप कुछ बोलिएगा अक्षय भैया? आज बाबा की नगरी में मेरा दूसरा बार आना हुआ है। बाबा ने दूसरी बार हमें बुलाया है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बाबा से प्रार्थना किया कि सभी लोग निरोग रहें और खुशी से अपना जीवन व्यक्त करें। ये मेरा भी पहला बार मतलब यहाँ आने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ। रोहित जी जय श्री राम। पहला बार आया है? पहला बार आया है। पहला बार रोहित जी पहला बार आया है? हाँ जी पहला बार आया है। और अक्षय भैया पहले आ चुके हैं और अमित भैया भी शायद पहले आ चुके हैं। तो यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा और एक अलग सुकून मिला। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल और फेसबुक फॉलो कर लें। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।